मल्टीटास्क भर्ती में अब इस पैटर्न से होगी तैनाती। अनुबंध कर्मियों के वेतन पर कौन लेने वाला है फैसला? नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मल्टीटास्क भर्ती में बड़ा अपडेट है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने रूल 18 के तहत होने वाली नियुक्तियां रोक दी हैं। अब SDM की कमेटी इन भर्तियों को करेगी। दूसरी ओर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के वेतन बढ़ाने का मसला CM के हाथ में है। इसी तरह नए पेंशन रूल्स का ड्राफ्ट बन गया है और वित्त विभाग में इस पर बैठकें जारी है। इसके मुताबिक पेंशनरों को मिलने वाली संशोधित पेंशन सेंट्रल रूल्स के हिसाब से बनेगी। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए और क्या क्या होने जा रहा है, इसके कई सवाल हैं, जिनका जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। पैदा कर रही है जीवन जी, कर्मचारियों की ओर चलते हैं। कर्मचारियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है, दिनों दिन लंबा इंतजार होता जा रहा है। जब से नया वेतनमान या वेतन आयोग की जब से घोषणा हुई है, लागू हो गया हिमाचल में, तब से कर्मचारियों में सिर्फ आजकल एक ही चर्चा है और वो चर्चा है कि सैलरी पगार बढ़ेगी कितनी, किस फैक्टर से बढ़ेगी। तो ये दो विकल्प दिए हैं एक तरह से सरकार ने, अगर हम बात कर लेते हैं कर्मचारियों के लिए, दो विकल्प हैं और उन्हीं दो विकल्पों ने कर्मचारियों को टेंशन में डाल दिया है। कैलकुलेशन चल रही है आजकल कर्मचारियों की ओर से, अगर हम देखें क्या मामला क्या है, कुछ है जानकारी इस पर, अपडेट आई है कुछ आज? जी, जहाँ तक कर्मचारियों की बात है तो खैर उन्हें तो बेनिफिट मिलना ही है जी, लेकिन इसमें सरकार ने उन्हें जो दो नए गुणांक दिए हैं जी, उस पे कैलकुलेशन चल रही है। हालांकि जहाँ तक हमें सूचना मिली है उसके अनुसार कर्मचारियों को इसमें राहत ही है। पहला गुणांक ये है कि 2.25 जी, और दूसरा है 2.59 जी। इसमें सबसे बड़ी राहत यही है कि किसी भी कर्मचारी को के लिए रिकवरी का कोई खतरा नहीं है जी, लेकिन रिकवरी का खतरा नहीं है। लेकिन अगर कर्मचारी दोनों ही फैक्टर को अप्लाई जिस तरह से कर रहे हैं, हमारे पास जो इनपुट आई है, दोनों ही फैक्टर को अप्लाई कर रहे हैं, तो सैलरी एक तो इतनी बढ़ जा रही है, या कईयों की सैलरी तो बिल्कुल नाममात्र बढ़ रही है, कईयों की इतनी बढ़ रही है कि वो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, सवाल वहां से खड़े हो रहे हैं। जीवन जी, आज कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की भी बात कर लेते हैं, बड़े दिनों से बेचैनी है, लगातार हमारे ऊपर हमारे से प्रश्न करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की, आप हमें बताइए हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, हमारी सैलरी पे सरकार ने स्टैंड क्या लिया है, सोचा क्या है सरकार ने? जीवन जी, तो एक हफ्ता तो जनवरी का गुजर गया, 7 तारीख हो गई आज, अब क्योंकि अगले पहली को क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट्स में सैलरी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी हैं उनको पता ही नहीं है कि सैलरी उनकी कितनी बढ़ने जा रही है, ये भी एक बेचैनी है उनमें। जी, इसमें कर्मचारियों में उत्सुकता तो बड़ी है क्योंकि किसी को एक साल की राहत मिली है, किसी को 3 से 2 हुआ है, किसी का 8 से 7 है, 6 से 5 हुआ है जी, तो इसमें इन्हें अब बेनिफिट्स की भी एक तरह से जल्दी है, वो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि कहाँ कितना बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अब ये मामला जो है कैबिनेट का भी नहीं है, ये मुख्यमंत्री के स्तर की बात है जी, मुख्यमंत्री कब इसकी घोषणा करते हैं ये आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा जी, आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। पर अभी तक जो सूचना, आपने कहा कि सूचना है कि मुख्यमंत्री इनकी सैलरी बढ़ाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को ही पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने अधिकृत किया है कि इसमें होगा क्या। दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी का जो फॉर्मूला है जीवन जी, जिसमें पे बैंड और ग्रेड पे की जो बात है, वो अब दोनों चीजें खत्म हो रही हैं नए वेतन आयोग में। अब नए वेतन आयोग में वो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी तो उस पे होगा क्या, बवाल ये है, अब होगा क्या उसको, क्या सरकार, क्योंकि आप देखिए वेतनमान के आयोग इसमें सरकार पंजाब का फॉर्मूला अपनाती है, अब अगर पंजाब का फॉर्मूला अपनाया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी सीधी डबल हो जाएगी, जो हिमाचल की सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को देख के उस परिस्थिति में सरकार ने शायद हाथ खड़े कर दिए कि हम इतना कर नहीं सकते हैं, जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह की कैलकुलेशन पंजाब ने कर्मचारियों के सामने परोस दी है। अब सरकार क्या फार्मूला बना रही है कि हाँ कुछ फीसदी तक सैलरी बढ़ाई जा सकती है, जिस पे एक चर्चा थी या एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या 25% होगी या 15%, ये कैलकुलेशन एक तरह से की जा रही थी। इसके लिए अब मंत्रिमंडल ने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अधिकृत कर दिया है कि आप जितना फीसदी भी सैलरी बढ़ाएंगे हमें उसकी उस वो मंजूर होगा, अधिकृत मुख्यमंत्री इस कैबिनेट जो अभी हुई है इसमें कर दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही इस पे फैसला लेंगे कब,
ये बड़ी बात है, ये देखने वाली बात होगी और कितने परसेंट पे ये फैसला होगा, सहमति कितने परसेंट पे बनेगी ये भी देखने वाली होगी। तो कर्मचारियों की ये उत्सुकता सीधे तौर पे बढ़ने लगी है। जीवन जी, पंजाब के फार्मूले में दिक्कत हमने क्लियर कर दी, पर दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो JCC की के पहले और उसके बाद का जो माहौल था 27 नवंबर के बाद की परिस्थितियों को देख लीजिए, उससे पहले के हालात भी देख लीजिए, जिस तरह का कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए एक दबाव बनाया था जीवन जी, वो दबाव भी ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि वक्त लंबा इंतजार हो गया इन कर्मचारियों का, वो दबाव कम हो रहा है तो सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही NPS कर्मचारियों की एक और मांग थी, सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग की वो बात कर रहे थे, उसका दबाव भी छिटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दबाव बन नहीं पा रहा है प्रॉपर, अब वो सरकार वहां से भी मसला सरकार ने डाइवर्ट एक तरह से कर दिया है। 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना लागू करने के बाद JCC की मीटिंग में भी घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी, तो ये तमाम चीजें NPS कर्मचारियों के पक्ष में हुई नहीं है। माहौल कैसा है कर्मचारियों में, क्या सोच रहे हैं कर्मचारी की, सिर्फ एक शोषा था जो उस दौरान हुआ था या बाकी सरकार गंभीर थी? जी, जहाँ तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है तो साल के पहले ही दिन कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग्स की हैं, 1 लाख कर्मचारियों ने उसमें हिस्सा लिया है। तो शायद उसका आपने सही कहा कि दबाव अभी बन नहीं पाया है, अभी आंदोलन का मूड भी नहीं है अभी, क्योंकि मौसम में भी ठंडक है तो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है अंडरकरंट जो है वो इसका असर दिखाएगा आने वाले कुछ दिनों में, ये आंदोलन फिर से। कर्मचारी सीधे तौर कह रहे हैं जीवन जी कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले बोल रहे हैं, आप पंजाब का फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, हमारे हाथ फिर खाली हैं, हमारी सैलरी बढ़ी नहीं, हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया। NPS वाले बोल रहे हैं हमारी तीनों ही मांगे आपने नहीं मानी, तो सरकार ने मानी किसकी, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे हाथ तो खाली हैं, सीधे तौर पर दिया तो कुछ नहीं आपने। जी, सरकार ने ही शुरू में जब JCC की मीटिंग हुई थी उसे बड़ा प्रचारित किया था और बड़ी उम्मीदें जगाई थी, कैसे सभी जानते हैं कि 35 मांगे हुई, उसके बाद 62 मांगे हुई, फिर 102 मांगे हुई, तो इतनी सारी मांगे मानना किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने बेनिफिट्स नहीं दिए हैं, सरकार ने तो अपना एक टोटल जो सम था कि 7,500 करोड़ खर्च, बेनिफिट्स की बात है, कर्मचारियों के टिप्पणियां हैं, कर्मचारी कह रहे हैं सीधे तौर पर कि बेनिफिट्स आपने कोई बेनिफिट्स नहीं दिए, ये हमारा वाजिब हक है जो सरकार दे रही है। जी भाई, मल्टीटास्क भर्ती पर हाईकोर्ट ने एक तरह से सख्त हो गया हाईकोर्ट, अगर हम बात करते हैं, अब कुछ नियम बदलने जा रहे हैं सरकार, कुछ नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं, क्या भर्ती ये होगी? जी, जो आज की लेटेस्ट सूचना है उसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मल्टीटास्क भर्ती के रूल 18 के तहत होने वाली नियुक्तियां रोक दी हैं। एलिमेंटरी डायरेक्टर ने सभी जिलों को इसके बारे में पत्र भी जारी कर दिए हैं। अब पॉलिसी में संशोधन होगा उसके बाद फिर से भर्ती होगी, और अब इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि SDM की कमेटी जो है वो उसमें भर्ती करेगी, SDM की कमेटी भर्ती करेगी। तो JBT पे भी कोई फैसला है जीवन जी, आज कुछ हुआ JBT पे? जी, सुनवाई टली है JBT वाले केस की, और अब 25 फरवरी को अब उनकी हेयरिंग होनी है इसमें। 25 फरवरी को अभी JBT केस की सुनवाई हो रही है, तो कर्मचारी भी बेचैन है और जितने भी हमारे मुलाजिम है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, चाहे NPS वाले हैं, चाहे OPS वाले हैं, सभी बेचैन है। पेंशनर भी अब सवाल करने लगे हैं कि पेंशन हमारी कितनी बढ़ेगी, कब से बढ़ेगी, सरकार को जवाब देना होगा आज।